नमस्ते, मैं प्रकाशमणि पीएम क्विजिन में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फरियाली मसाला मूंगफली की रेसिपी। यहाँ पर मैंने मसाला मूंगफली को कुछ ट्विस्ट दिया है और उसे फरियाली मसाला मूंगफली में टर्न किया है। तो आप इस रेसिपी को देखिए, अगर आपको ये पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 कप मूँगफली का दाना। ये कच्चा मूँगफली का दाना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, हमको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये देखिए मैं हाथों से किस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, ऐसे ही डालना है। अब सारे दानों को पानी में अच्छा सा गीला कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच सेंधा नमक। मसालों को दानों के साथ मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से हमारे दानों में अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए हमारे दाने नमक और मिर्ची में अच्छे से कोट हो चुके हैं। इनको हम ढक कर के रख देते हैं 5 मिनट के लिए। अब हम एक बॉल लेंगे, उसमें हम डालेंगे 3 चम्मच सिंघाड़े का आटा और 3 चम्मच राजगरे का आटा। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक, सेंधा नमक है ये, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। इन सारे मसालों को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसाले एक साथ हो जाना चाहिए आटे के साथ। ये देखिए अब हमारे आटे और मसाले का मिक्सचर एकदम रेडी है। और अब हम ये दाने लेंगे हमारे मूंगफली के और उसके ऊपर हम हमारा ये आटे और मसाले का मिक्सचर डालेंगे। इसको हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही बार में पूरा नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे और साथ ही साथ हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी भी स्प्रिंकल करते जाएंगे ताकि हमारे आटे और मसाले का मिक्सचर दानों के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। हमें एक बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारे सारे दाने चिपक जाएंगे। ये देखिए हमने आधे मसाले का मिक्सचर अभी बाद में डाला है और उसको भी हमने मिक्स कर लिया है। अभी हमारे दाने थोड़े सूखे लग रहे हैं तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब ये देखिए हमारे दाने मिक्स हो चुके हैं, ये तलने के लिए अब एकदम रेडी हैं। हमने एक पैन में तेल को गरम कर लिया है। अब इस गरम तेल में हम हमारे मूंगफली के दाने तलेंगे। ये देखिए जैसे ही हमने मूंगफली के दानों को तेल में डाला तो तेल में किस तरह से उबाल आना शुरू हो गया है। हमारे ये दाने कच्चे हैं इसलिए इसमें उबाल आ रहा है। जब हमारे ये दाने एकदम पक जाएंगे तो इसमें इतना झाग या उबाल आना बंद हो जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे हमारे दाने पकने लगे हैं उनमें झाग या तेल में उबाल आना कम होता जा रहा है। हम इन दानों को हिलाते रहेंगे ताकि हमारे दाने अच्छे से पक जाएँ। ये देखिए तेल में झाग आना कितना कम हो गया है, इसका मतलब हमारे दाने ऑलमोस्ट पक चुके हैं। बस अब हम इन्हें निकालेंगे। ये देखिए हमारे तेल में झाग आना अब एकदम कम हो गया है। अब इन दानों को तेल से निकाल लेते हैं। दानों को और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। ऊपर से गरम गरम मसाला मूंगफली में हम डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच सेंधा नमक और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। इनको मसालों को हम मूंगफली पर अच्छे से कोट कर लेंगे। ऊपर से मसाला डालने के बाद हमारी मसाला मूंगफली का टेस्ट और बढ़ जाता है। ये देखिए अब हमारी मसाला मूंगफली बनकर एकदम रेडी है। ये बहुत टेस्टी है, क्रिस्पी है और अंदर से क्रंची भी है। आप इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपके वैल्यूएबल फीडबैक मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।